चलो, चलो। वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बिलाईकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको पसंद आता है प्लीज लाइक चलिए शुरू करते हैं तब जन्म लिया दोस्तों लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन इनमें किसी भी आतंकवादी तंजीम में या आतंकवादी गिरोह में किसी का भी नाम के अंदर कश्मीर नहीं था तो आपको ऑपरेशन सर्वनाश पार्ट टू करने की आवश्यकता है और मेरी सरकार से दरखास्त है मोदी जी से दरखास्त है कि आप अप्रूवल दीजिए आर्मी शुड डू ऑपरेशन सब विनाश पार्ट टू यार भी है वो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं जब होश है। पाकिस्तानी बच्चा वो उसको होश संभाल पाकिस्तानी जिहाद के लिए फिट हो जाता है जैन दोस्तों मैं जो गौरव आ है और आप देख रहे हैं तो चानक क्या डायलॉग इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइक दबारा बिल्कुल बद भूलिएगा दोस्तों पांच हमारे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए जम्मू एरिया में पांच हमारे भाई भारतीय सेना के वीरगति को प्राप्त हो गए आज मैं उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा कल शाम से आप टेलीविजन पे सुन रहे होंगे लेकिन इसका इलाज क्या है है ऐसा क्यों हो रहा है बार बार और मुझे क्या लगता है इसका क्या इलाज है यह मैं आप तक बातें पहुंचाऊंगा सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोस्तों इस ऑपरेशन के बारे में तो दोस्तों यहां पर टेररिस्ट ने एम्बुश करा आर्मी की गाड़ी को डेरा की गली पे डेरा की गली रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जे ये 21 को हुआ यानी कि कल शाम को तीन बज के मिनट पे और एक पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पी डबल एफ इसने क्लेम करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं आपको जरा बताता हूं पी डबल एफ की कहानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यह पाकिस्तान ने बनाई है सेक्युलर साउंडिंग जमातें सेक्युलर साउंडिंग तंजीम है सेक्युलर साउंडिंग टेररिस्ट आउटफिट क्यों दोस्तों मैं थोड़ा सा ना इतिहास में जाऊंगा इतिहास में जाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि ये सब ये पैदा कहां से हो गए चुनु बुन्नु किसने जन्म दिया क्यों जन्म दिया इनके नाम ऐसे क्यों है मैं आपको बताता हूं बहुत पहले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जे के लिबरेशन फ्रंट नाम की एक टेररिस्ट आउटफिट हुआ करती थी कश्मीर में और वो सबसे पुरानी सबसे पहली थी उसने बोला कि भाई हम तो कश्मीर को भारत से आजाद करेंगे और ये जाकर बैठ गए मुजफ्फराबाद में और ये ठा ठा करते थे वहां पे हर जगह कश्मीर में इनका वायलेंस चलता था अब नहीं चलता क्यों क्योंकि इनमें से एक दो के दिमाग में यह आया कि यार कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है वैसा तो पाकिस्तान के पास भी है जम्मू और कश्मीर का हिस्सा तो हमें पाकिस्तान से भी मारना चाहिए अब पाकिस्तान से मांगने के चक्कर में क्या हुआ कि आईएसआई ने बोला अच्छा बेटा मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं तुम्हें तो हमने बनाया है तुम्हें तो हमने बनाया है तुम अपने बाप से गद्दारी करोगे ठाठा आउट तो दोस्तों जब ठाठा हुई के बाद क्या होगा कि पाकिस्तान के दिमाग में कीड़ा जागा पाकिस्तान ने बोला यार कि ये ये जो पूरा कश्मीर वाला मामला है यारश्मीरियों पे भरोसा नहीं कर सकते ये पाकिस्तान पाकिस्तान ने ने सोचा तो पाकिस्तान ने बोला कि पैन इस्लामिक हम नाम लेंगे इस्लामिक नाम लेंगे जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है उससे क्या होगा कि अट्रैक्ट होकर दुनिया भर के मुसलमान आके यहां पर जिहाद लड़ेंगे ये पाकिस्तान का प्लान था तब जन्म लिया दोस्तों लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन अल्स टाइगर्स और फलाना और अल फरान और फलाने ढिम दुनिया भर के मतलब मैं नाम ही नहीं जानता इतने नाम वहां पे पैदा हो गए इनमें किसी भी आतंकवादी तंजीम में या आतंकवादी गिरोह में किसी का भी नाम के अंदर कश्मीर नहीं था लश्कर तैयबा के अंदर कश्मीर वर्ड नहीं है जैश ए मोहम्मद के अंदर कश्मीर वर्ड नहीं है हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर कश्मीर वर्ड नहीं है और जो औरतों की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने औरतों के भी अंद्राबी के अंदर ठीक है उसके अंदर भी कश्मीर का नाम नहीं था उसका नाम भी था दुख्तरान ने मिल्ल आसी अंद्राबी की जिसकी एड थी तो दोस्तों ये पाकिस्तान का ये था कि पैन इस्लामिक आइडेंटिटी देते हैं यहां पे टेररिज्म को तो दुनिया भर के उसमें अफगान भी आएंगे सुडनी भी आएंगे और आते भी थे जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था दोस्तों नाइनटीन नाइनटी एट की बात कर रहा हूं जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था तब आते थे हम लोग रेडियो सेट पर सुनते थे सुडान भाई सुडान भाई सुडान भाई उसको बोली सुडान भाई रहा वो सुडान का है डान से भी लोग आए वहां पर चाइनीज भी आए यार वहां पर दुनिया भर की इट वॉज अटेड नेशन ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान ने वहां पर फ्लरिश अब क्या हुआ कि चलता रहा कई सालों चला सक्सेसफुल चला उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जाना उसने शुरू कर दिया अब सब जानते थे कि खुले संड की तरह घूमते थे पाकिस्तान में हाफिज सईद खुले संड की तरह घूम रहा है बहुत बड़ा हीरो है पाकिस्तान में हाफिज सईद जो है ना वो मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा हीरो है पाकिस्तानी भगवान मानते हैं पूजा करते हैं हाफिज सईद की दूसरा हुआ आपका ये मौलाना मसूद अजहर ये सब लोग खुले अब पाकिस्तान को ये डर लगने लगा कि यार हमें फिर एफ की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे हमें तो नुकसान हो जाएगा दुनिया थूथू करती है भी को, को भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो उनकी आदत है आप जिस दिन थूथू नहीं करेंगे पाकिस्तानियों को लगेगा यार कि दाल में नमक नहीं यार मजा नहीं आ रहा लेकिन पाकिस्तान की जेब कटने लगी पाकिस्तान के पैसों का नुकसान होने लगा पाकिस्तान के ट्रेड पे हर चीज पर फर्क पड़ने लगा पाकिस्तान का गला सूख गया हाफिज सईद को डाला जेल में मौलाना मसूद अजहर को कर दिया गायब और ये जो अनोन गनमैन मार रहे हैं ना पाकिस्तान में लोगों को और लोग कह रहे हैं कि राधी साजिश है साजिश नहीं है ये पाकिस्तानी खुद ही अपने बंदों को मार रहे हैं खुद ही अपने बंदों को मार रहे हैं क्योंकि अगली बार पाकिस्तान अगर एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का दी एंड है फिर तो उनकी कमर टूट चुकी होगी अब मैं आपको बताता हूं अगला इन्होंने बोला कि यार हम लोग एक काम करते हैं ना हम यहां पे मेरी मुराद पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा काम करते हैं ऐसे गिरोह हम शुरू कर देते हैं आतंकवादियों के जिसका नाम बड़ा सेक्युलर है जिसका नाम किसी मजहब खास से या इस्लाम से जुड़ा नहीं है जिसका नाम कोई और चीज से जुड़ा नहीं है ऐसा लगे दुनिया को कि भारत के अंदर से ही जो कश्मीरी है वो बड़े परेशान हो गए और वही अटैक कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस फ्रंट आया टीआरएफ टीआरएफ अब, अब पीपल अगेंस्ट फलाना का दस कश्मीर में घूम रहे हैं दोस्तों और ये कुछ नहीं है 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 इनका नाम बदला वही पुरानी वाली ठीक जो कि वीरगति को प्राप्त हुए कहते हैं पांच हैं टोटल पांच भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए नायक बीरेंद्र सिंह पंद्रह गढ़वाल राइफल्स के नायक करण कुमार मी सर्विस कोर के राइफलमैन चंदन कुमार एटी नाइन रेजिमेंट के राइफलमैन गौतम कुमार एटी नाइन रेजिमेंट के और एक और फौजी है जो वीर गति को प्राप्त हुआ है जिसका नाम अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आ, सेना ने उसका नाम नहीं बताया हमारे भाई का जो वीरगति को प्राप्त हुआ है और जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनका नाम है संदीप कुमार एस एस दास और टी डी भास्करव तो दोस्तों ये तो स्टोरी हो गई पाकिस्तान ने जो काम करा ठीक है अब देखिए आपको ना दो लेवल पे काम करना पड़ेगा अगर आप दो लेवल पे काम नहीं करेंगे आप सफर करेंगे आपके और भाई वीरगति को प्राप्त होंगे आपको बुरी लगेगी मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन ये सच है, है। और यहां पे मैं मैं गारंटी लेके नहीं बैठा कि मैं आपको मीठी बातें सुनाऊंगा मैं ज्यादातर कड़वी ही बात सुनाऊंगा आपको मेरी बात हो सकता है आपको पसंद ना आए लेकिन यह बात सच है अब मैं आपको कुछ डेटा और बताता हूं आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो बहुत जरूरी है 2021 से पुंछ रजौरी के एरिया में ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं पांच फौजी शामिल दो कप्तान दो दिन के एंटी टेरर ऑपरेशन में रजौरी के कालाकोट में वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों अप्रैल और मई दो हजार तेईस में दो 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 हमारे दस फौजी भाई टू एन अटैक लाइक थे अटैंप कोई वो नहीं है बीस से पच्चीस रजौरी एरिया में एक्टिव थे खासतौर से पीर पंजाल के एरिया में कि ना ना बोला है, से मतलब हूं। है, हूं कि... है कि एक साल लगेगा तो रूट ऑफ वहां से बिल्कुल नस्ते नाबूद करने के लिए टेर्रिज्म को और आ, काफी लोगों की वहां पे जान चली गई है ये नया हॉटस्पॉट है अच्छा देखिए ना ये तो एक बात हो गई दोस्तों मैं भी इसी एरिया में था पोस्टेड राइट मैं फॉज में था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टेन्योर इन द दौज ये साउथ ऑफ पीर पंजाल का एरिया है ना एक तो नॉर्थ है एक साउथ है तो हम लोग हम लोग हिंटरलैंड में भी थे लेकिन हम लोग ज्यादातर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मैंने नौकरी करी और पीछे भी मैं ये मेरे जाने के बाद मेरे जाने के कुछ साल के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों और कोई भी सीनियर फौजी आपको बता देगा ठीक है उस ऑपरेशन का नाम था सर्प विनाश और सर्प विनाश में

पता चल जाएगा सर्वेलेंस हो जाएगी तो मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है वही जो है आर्मी करेगी जो उसको बेस्ट सोल्यूशन लगेगा ये पहले हमारे जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे इससे पहले भी पुंछ एरिया में फिर दोबारा ऐसा हुआ है जब डी ट्वेंटी हो रहा था तब भी हुआ था फिर यहीं पर ही हुआ है तो काफ़ी मतलब इस एरिए में हो रहा है एक्टिविटी है और गवर्नमेंट मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा इस एरिया में चक्कर क्या है नहीं खाली यहाँ अपने एरिया को खाली कर, कर, आ, स्वीप करके इनको खत्म करने के साथ साथ तो निकलवा लो पाकिस्तान का सबूत जब मिले तो एक्शन लो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खत्म करो और इंडियंस को तो बोल बोल के हम थक गए जो पाकिस्तानी चैनल देखते हैं बंद कर दो उनको देखना यार कुछ तो अपने देश का सोच लो हम तो बोल बोल के थक गए हैं पर क्या करें चलो अभिषेक चलते हैं मिलेंगे में बहुत ही देन, टेक बाँ बाँ बाँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊ आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए